गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट द फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फर्स्ट इज फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट। फ्रैक्शंस में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऊपर वाले को न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। एग्जाम्पल्स 2/9, 3/4, 2/10, वेयर 2 इज न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शंस। ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल्स 5/7, 1/17 एंड 25/26 आर प्रॉपर फ्रैक्शन। इन 5/7, 5 इज लेस देन 7 एंड 1/17, 1 इज लेस देन 17। सो दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड एंड इन प्रॉपर फ्रैक्शंस इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 7/5, 15/11 एंड 26/25 आर इन प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दिस फ्रैक्शन 7 इज ग्रेटर देन 5, 15 इज ग्रेटर देन 11 एंड 26 इज ग्रेटर देन 25। सो दीज आर इन प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शंस। ए मिक्स फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स 2/3/5, 6/1/7 एंड 2/1/3 एक्सेट्रा। इन देयर 2 इज होल नंबर एंड 3/5 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। द वैल्यू ऑफ ए फ्रैक्शंस इज नॉट चेंज by multiply or divide the numerator and denominator by the same number. Now we solve the questions. First is 2 - 3/5. First we write 2/1 minus 3/5. First we find LCM of 1 and 5. The LCM of 1 and 5 is 5. Now we divide 5 by 1 and 5 is multiplied by 2 minus 5 is divided by 5, we get 1 and we multiply 3 by 1. Now 10 - 3/5 is equal to 7/5 is equal to 2/5. Next is write the fraction 2/9, 2/3, 8/21 in descending order. First we write the 2/9 to 2/3 and 8/21, and we find the LCM of numerator. So 2/9, 2/3, 8/21. First we find the LCM of denominator 9, 3 and 21. We find 63. Now 2/9 is equal to, we multiply 2/9 by same number 7/7, we get 14/63. Next 2/3, we multiply by 21, we get 42/63. Next 28/21 is equal to 8 × 3/21 × 3, we get 24/63. Now 42 is greater than 24, 24 is greater than 14, and 42/63 is greater than 24/63 is greater than 14/63. So answer is 2/3, 8/21 and 2/9. Now worksheet has given, please solve it. Thank you.